नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। एशिया कप जीतने के बाद भारत की अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप में अपनी धमाकेदार शुरुआत की है। दोनों अभ्यास मैचों में शानदार जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने इस बार ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर शिकस्त दी है। मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया। पहले मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराया और अब दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का विजयी अभियान लगातार दूसरे वार्म अप मैच में भी जारी रहा। भारत के सभी बल्लेबाजों ने जमकर हाथ खोले। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दोनों ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही चलता किया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने हालांकि शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत कंगारू टीम 268 रन के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। भारत की तरफ से रवि कुमार ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे घातक गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने 50 ओवर की बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई और पूरी टीम उन 50.2 ओवर में ही सिमट कर रह गई। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। 269 का पीछा करते हुए टीम इंडिया का पहला विकेट 74 रन पर गिरा। सलामी बल्लेबाज अंग्रेज रघुवंशी 27 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे विकेट के लिए पूरे मैच में तरसती रही। भारत की ओर से हरनूर सिंह ने सबसे ज्यादा 108 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 16 चौके निकले और वो रिटायर हट हुए। शेख रशीद के बल्ले से 74 गेंदों पर 72 रन निकले, उन्होंने 6 चौके और एक छक्का शामिल था। कप्तान यजदुल ने भी लगातार दूसरे वार्म अप मैच में अर्धशतक ठोका। टूर्नामेंट के आगाज से पहले टीम इंडिया ने दोनों वार्म अप मैच अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 108 रनों से हराया था। विंडीज के सामने मुकाबला जीतने के लिए 279 रन का टारगेट रखा था, जिसके जवाब में टीम 43 ओवर में 170 रन पर ही ढेर हो गई थी और भारतीय टीम ने दोनों मुकाबले शानदार तरीके से अपने नाम किए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।